बिहार के 13 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन पर सघन तलाशी ली जा रही है। बिहार के 13 जिलों में अलर्ट, रेलवे स्टेशनों पर चल रही तलाशी, खतरे की आशंका में बढ़ाई सुरक्षा। पटना जंक्शन की इन तस्वीरों में देखिए, सघन तलाशी की जा रही है, एक एक मुसाफिर के सामान की जांच की जा रही है। आखिर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की जरूरत क्यों आ पड़ी है, अब ये जान लीजिए। राजधानी दिल्ली में गिरफ्तार दो आतंकियों से पूछताछ में खुलासे के बाद अलर्ट जारी किया गया है। आशंका जताई गई है कि आतंकी देश में रेल पुल, रेलवे ट्रैक और भीड़ वाली जगहों को निशाना बना सकते हैं। दिल्ली में दो आतंकी को गिरफ्तारी करने के बाद बिहार के 13 जिलों को अलर्ट पर रखा गया था। साथ ही दो रेल एसपी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पूरी तरीके से अलर्टनेस रखा जाए। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर भी कड़ी सुरक्षा दिख रही है। जीआरपी और आरपीएफ के जवान मुसाफिरों के सामान की जांच कर रहे हैं और हम लोग बराबर आने जाने वाली सभी गाड़ियों के विशेष सुरक्षा के दृष्टिकोण से यात्रियों पर निगरानी रहती है। सामानों की चेकिंग लगातार मेरे द्वारा, मेरे जवान आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग करते हैं हम लोग। मधुबनी की भी सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए गए हैं। देश में आतंकी हमले की आशंका जताई जा रही है, ऐसे में ट्रेनों और स्टेशनों को आतंकी को द्वारा निशाना बनाया जा सकता है। इसी को लेकर खुफिया विभाग ने स्टेशन और ट्रेनों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। बॉर्डर इलाके के स्टेशनों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सहरसा में प्लेटफॉर्म के साथ ट्रेन के बोगियों की भी तलाशी ली गई। कह सकते हैं कि एक तरह से जो है पूरा रेल प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है और जीआरपी और आरपीएफ के जवान पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहे हैं। मोतिहारी में भी सघन तलाशी की जा रही है। रेलवे प्लेटफॉर्म के साथ गाड़ियों के स्टैंड में भी तलाशी ली गई। कटिहार के रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई है। सुनिए क्या बता रहे हैं आरपीएफ के कमांडिंग। तरह की है, मतलब संभावना है, संभावना के तौर पे हम लोग को उसमें अलर्ट किया गया है और हम लोग अलर्ट इन लोगों को नज़र बनाए हुए हैं। मतलब कोई भी संदिग्ध है, कोई भी किसी प्रकार का संदिग्ध है उसके ऊपर। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन की इन तस्वीरों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कितनी सख्त कर दी गई है। अलर्ट के बावजूद बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर चौकसी नहीं दिखी। इस बारे में जीआरपी थाना प्रभारी क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। अलर्ट किया गया था तो मेरे पास जितना फोर्स है अपना प्लेटफॉर्म पर हम लगाए हुए हैं और जहाँ अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध सामान दिखाई देता है उसके प्रति हम लोग सचेत रहेंगे। जनाब जो हम लोग प्लेटफॉर्म जिसी में रहता है वही है मेरे पास, कोई फोर्स मेरे पास नहीं है। उधर बेतिया रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखी। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों के सामान की भी चेकिंग नहीं की जा रही है। अलर्ट के बाद ज्यादातर जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन कुछ जगहों पर कोताही भी दिख रही है। जाहिर है अलर्ट के बावजूद सुरक्षा ना होना कभी भी खतरे को दावत दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।